भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश की चिकित्सा व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल खड़े किए। मिसमैनेजमेंट का आलम यह था कि मौतों की संख्या में हुए भारी इजाफे के चलते शमशान घाटों पर लाइन लगी हुई थी, लकड़ी की कमी थी और शवों को दफन करने के लिए जमीन नहीं मिल रही थी। खबर तो यह भी आई कि साउथ ईस्ट दिल्ली के एक पब्लिक पार्क को शवदाह के लिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि रेगुलर शमशान घाटों पर जगह नहीं बची थी। इसी सब के बीच भयावह तस्वीरें देखने को मिली उत्तर प्रदेश से। मई के दूसरे हफ्ते में दैनिक भास्कर ने खबर दी कि बिहार और उत्तर प्रदेश के 1140 किलोमीटर के एरिया में गंगा नदी के किनारे 2000 से ज्यादा लाशें मिली थी। ऐसी खबरें और भी कई मीडिया संगठनों ने दी जिसमें रॉयटर्स, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, मोजो स्टोरी और बीबीसी शामिल हैं। लेकिन फिर कुछ ही वक्त में दैनिक जागरण ने ऐसी खबरें छापनी शुरू कर दी कि गंगा नदी के किनारे तो हमेशा से ही इस तरह से लाशों को दफनाया जाता रहा है और उनका कहना था कि ऑनलाइन मीडिया इस सनसनीखेज रिपोर्टिंग के जरिए लोगों को भ्रमित कर रहा है। 26 मई को दैनिक जागरण ने दफन की हुई लाशों की एक तस्वीर पब्लिश की। उन्होंने बताया कि तस्वीर 3 साल पुरानी है और 2018 में भी लाशों के दफन होने का ऐसा ही नजारा दिखा था जैसा अभी दिख रहा है। इस तरह दैनिक जागरण ने यह समझाने की कोशिश की कि गंगा के तट पर लाशों के दफन होने की संख्या में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया था। 26 मई के ही दैनिक जागरण के अखबार में हेडिंग थी, कोरोना नहीं था फिर भी 3 साल पहले ऐसी ही थी गंगा किनारे की तस्वीर। खबर में अंदर लिखा हुआ था, संगम नगरी प्रयागराज में गंगा किनारे दफनाए गए शवों को हालिया करार देते हुए इंटरनेट मीडिया पर हो हल्ला मचाने वालों को ये पुरानी तस्वीर गौर से देखनी चाहिए। ये तस्वीर 18 मार्च 2018 की है जब कुंभ 2019 के क्रम में तीर्थराज प्रयाग के श्रृंगवेरपुर का कायाकल्प हो रहा था। दैनिक जागरण ने इस रिपोर्ट के 3 मुख्य बिंदु भी बताए थे। पहला, कई हिंदू परिवारों में गंगा किनारे शव दफन करने की है परंपरा। दूसरा, इंटरनेट मीडिया पर ऐसी ही तस्वीरों से फैलाई गई सनसनी। और तीसरा, सफेद दाग, कुष्ठ रोग, सर्पदंश सहित अकाल मौतों से जुड़े शव किए जाते हैं दफन। और फिर 26 मई को यही रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट की। ट्वीट करने वालों में भाजपा के कई नामी नेता भी शामिल थे। लेकिन फिर वही बात सामने खड़ी थी कि टीवी और प्रिंट मीडिया जो बातें कह रहा था, दैनिक जागरण उसकी ठीक उल्टी तस्वीर पेश करने में क्यों लगा हुआ था। सबसे पहले छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताते हैं। इंडो एशियन न्यूज सर्विस IANS ने 2019 में रिपोर्ट किया था कि दैनिक जागरण को 2014-15 से लेकर 2018-19 तक सरकारी विज्ञापनों के लिए 100 करोड़ रुपए मिले थे। INS के ही मुताबिक सरकारी विज्ञापनों से सबसे ज्यादा पैसा जिसे मिला है वो है दैनिक जागरण। हाल ही में यानी फरवरी 2021 में न्यूज लॉन्ड्री ने बताया था कि कैसे दैनिक जागरण ने उत्तर प्रदेश सरकार की किसान नीतियों को लेकर एक PR कैंपेन चलाया था और इसी क्रम में अपनी तरक्की का रास्ता भी बनाया। दैनिक जागरण की इस बड़ी मात्रा में दफन किए गए शवों की संख्या पर मिट्टी डालने वाली रिपोर्टिंग की तहकीकात करने के लिए ऑल्ट न्यूज को साथ मिला इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट प्रशांत सिंह का। प्रशांत दैनिक जागरण द्वारा बताए गए घाटों के अलावा 2 और घाट पर पहुंचे और वहां लोगों से बात की। वहां मौजूद स्थानीय लोगों से, पंडों पंडितों, पत्रकारों से बात करने के बाद ये तो साफ हुआ कि श्रृंगवेरपुर और फाफामऊ में शवों को दफन करने की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई थी और ऐसा कोरोना की दूसरी लहर के बाद हुआ था। और आपको ये भी बता दें कि इसी जागरण ने 15 मई को एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया था कि अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह से हर रोज 100 शवों का श्रृंगवेरपुर घाट पर अंतिम संस्कार किया जा रहा था, जबकि आमतौर पर आम दिनों में एक दिन में 20 से 25 शव ही वहां आते थे। जागरण की इस रिपोर्ट के अगले ही दिन यानी 16 मई को जल शक्ति मंत्रालय ने भी बयान दिया था। उन्होंने बताया था कि ऐसी भयानक स्थिति में कोरोना महामारी के केसेस और उससे होने वाली मृत्यु के आंकड़े बढ़े हैं और हाल ही में गंगा और उससे जुड़ी नदियों में शव डाले जाने की घटनाएं सामने आई हैं जो काफी गलत हैं और भयानक है। जागरण अगर ये कहता है कि स्थिति बहुत विकट नहीं थी और 2018 में भी ऐसा ही मामला था, तो अचानक 2021 में नदी में इतनी लाशें क्यों मिलने लगी। इस पूरे दौरान दैनिक भास्कर, अमर उजाला, ANI, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह ने लगातार यही बताया कि गंगा किनारे लाशों को दफन किया जाना बढ़ता जा रहा है। 20 मई को आज तक ने फाफामऊ पुल से वहां का नजारा दिखाया था। हम प्रयागराज के फाफामऊ पुल पर हैं जिसके ठीक नीचे का दृश्य देख करके आपका दिल दहल जाएगा। ये वो जगह है जहां पर अंतिम संस्कार कराने के लिए लोग आते हैं और यहां अगर आपकी नजर आगे 1 किलोमीटर तक कहीं जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको लाशें दिखेंगी, वो भी पूरी तरह से अंतिम संस्कार की हुई नहीं बल्कि ऐसे ही रेत में 1-2 फीट नीचे दबी हुई। अब मजबूरी थी किसी की गरीबी के चलते या प्रशासन की लापरवाही अनदेखी और दावों के फेल होने का नतीजा, यहां पर अगर मैं अंदाजे से बात करूं तो 1000 लाशों से ऊपर
डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार यहाँ पर ऐसे ही किया हुआ है। ऑल्ट न्यूज ने आज तक के संवाददाता श्रीवेंद्र श्रीवास्तव से बात की। उन्होंने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट पर कायम है और वो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि फाफामऊ ब्रिज के नीचे कम से कम 1000 लाशें दफन थी। एक पॉइंट और, दैनिक जागरण ने बगैर नाम लिए अंतरराष्ट्रीय मीडिया पर प्रयागराज की इमेज पर दाग लगाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। याद रहे कि बीबीसी और द वॉशिंगटन पोस्ट की खबरों में सरकारी अधिकारियों के बयान भी शामिल हैं। और अब हम आएंगे प्रशांत सिंह द्वारा की गई ग्राउंड रिपोर्ट पर, जिसमें उन्होंने श्रृंगवेरपुर और फाफामऊ घाट पर जाकर वहां मौजूद लोगों से बात की। ऐसा कभी आपने दृश्य देखा था? कभी नहीं देखा जी, देख करके आश्चर्य हुआ। हम लोग भी आना बंद कर दिए यहाँ, जिसमें लाशों की संख्या बढ़ी। घर वाले आवे नहीं देते हैं सरकार, बहुत संख्या में लाश आवे लगी। सब एरिया तांता लाग जाए हमारी लाश के। ये तो कहा कि 15 दिन से राहत मिल गया है, अब सामान्य हो गया। कभी हम लोगों ने ऐसा देखा ही नहीं था जी। हाँ, यहाँ 4 जिले की मिट्टी आती है। अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, समझता 4-5 जिला की मिट्टी यहाँ आवा करती है। यहाँ तो सर बनना चाहिए कायदे से, जो है सौदागरी आवश्यक है जी, बहुत बहुत आवश्यक है। पहले कितनी मतलब कितनी बॉडीज दफन की गई? जैसे आप बता रहे लंबा अनुभव रहा आपका 25 साल का इस घाट पे। मान लीजिए कहीं जो है जेठ बैसाख में जैसे लू लग जाता था या बहुत बड़ी गर्मी आ जाती थी तो लोगों का जो है 50 मिट्टी आ जाए, 60 मिट्टी आ जाए। आज के 10 साल पहले बीच बीच में कभी इतनी मिट्टी नहीं आती बीच बीच में, लेकिन जो इस स्थिति अभी फिलहाल 2021 में है ऐसा पहली बार हुआ है। ये 100 साल के पहले लोग जो पूर्वज हमारे गांव के हैं वो बताते थे कि 100 साल पहले एक हैजा नाम की बीमारी आई थी इसी तान की, कि पूरा गांव को गांव खाली हो जाता रहा, कोई गिन नहीं पा रहा था, इतनी मिट्टियां आ रही थी कोई गिन। हम लोग पुजाना छोड़ दिए। अच्छा, तो अपना जलाओ, अपना करो, जो करना हो जाओ, हमें कोई जरूरत। तो जो भी लोग आ रहे थे उतनी जल रही थी उतनी गाड़ी भी जा रही। हाँ, ऐसा ही समझो, जो लोग आते डर समा गया था, कितनी जल्दी यहाँ करो चलो, यहाँ जितनी जल्दी हो करो चलो। जो मजबूत दिल के थे वो अपना जलाते थे, जो होना होगा वो होगा। 29 मई को प्रशांत फाफामऊ पहुंचे, जहां उन्होंने देवी प्रसाद मिश्रा और दुर्गा प्रसाद मिश्रा से बात की। दोनों वहां लंबे समय से काम कर रहे हैं। अनुमानता अगर कहा जाए तो कितनी संख्या इस समय बढ़ गई होगी कोरोना काल के दूसरी लहर में? 1500। और इससे पहले अगर 2018-19 की बात की जाए, कुंभ मेला से पहले की, तब कितनी रही होगी यहाँ पर? बहुत ज्यादा 200-400-500 इतने एक महीने में मिट्टी आती थी। 55 साल की उम्र है, इतने उम्र में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। बाबा, अगर बात की जाए 2018-19 कुंभ मेले से पहले की जी, हाँ। तो क्या इतने ही शव यहाँ पर दफन रहते थे? नहीं जी जी, ये कोरोना काल में ऐसा हुआ। कितनी संख्या बढ़ गई होगी? 100-150 बाड़ियाँ रोज आना चालू। आइए हम आपको ढेर दिखाते हैं। ये है रेत में दफन शव है यहाँ पे। ये यहाँ पर इनका बाबा कहना है कि पहले कभी इतने ज़्यादा शव दफन नहीं होते थे। ये ब्रिज है जो यातायात के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें वाहन जाते हैं। हाँ जी। क्या इसके नीचे कभी भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे शव दफन होते थे? नहीं, कभी नहीं जी, ये पहली बार है। पहली बार। इन सब के अलावा हमारी बातचीत हुई गंगा विचार मंच, जो कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से जुड़ी एक स्वयंसेवी संस्था है, इसके अधिकारियों से। इससे जुड़ी भाजपा की प्रदेश मंत्री अनामिका चौधरी और उत्तर प्रदेश कोऑर्डिनेटर सुनील निषाद ने ऑल्ट न्यूज से इस बात की पुष्टि की कि महामारी के कारण श्रृंगवेरपुर घाट और फाफामऊ घाट पर अंतिम संस्कार में बढ़ोतरी हुई। कुल मिलाकर दैनिक जागरण की रिपोर्ट जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती हैं और कमोवेश सरकारी हीलावाली और अव्यवस्था से हुई मौतों पर पर्दा डालने की कोशिश करती नजर आ रही है। यहां ये जरूर बताया जाना चाहिए, जागरण खुद विश्वास न्यूज नाम से फैक्ट चेकिंग भी करता है। जागरण न्यूज मीडिया के CEO भरत गुप्ता खुद IFCN के बोर्ड मेंबर हैं, मगर सच ये है कि हालिया रिपोर्ट्स उस फेहरिस्त में शुमार होती हैं जिसमें जागरण की फैलाई हुई कई भ्रामक रिपोर्ट्स पहले से शामिल हैं। 2018 में जब कठुआ में एक 8 वर्ष की बच्ची का बलात्कार हुआ था, जागरण ने यह दावा किया था कि वहां बलात्कार की कोई घटना हुई ही नहीं थी। बीते वर्ष जब हाथरस में एक दलित महिला का कथित बलात्कार हुआ था, जागरण ने दावा किया था कि उस लड़की की हत्या उसके भाई और उसकी माँ ने मिलकर की थी।